भाई लाइट मारो ना। राष्ट्रीय समाज पक्षाच गीता सिंह जी को यहां का उम्मीदवार घोषित किया है। आपके विश्वास के ऊपर यहां से आपको भेजा है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है, गीता सिंह जी एक अच्छी सोशल वर्कर है और राष्ट्रीय समाज पार्टी की मुंबई अध्यक्ष भी हैं। आपके बीच में कंधे से कंधा मिला के आपके बीच में काम करने के लिए आए हैं। आपके बीच में परमादरणीय हमारे आपके नेता माननीय श्री महादेव जानकर साहब, आपको उनकी यहाँ पर उम्मीदवारी दी है। आपके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा भरोसा जताया है। आप लोग आने वाले 20 तारीख को, और कोई आपको कोई नेता ऐसा नहीं मिलेगा जिनको आप कॉल करेंगे तो टाइम पे पहुँचेगा। लेकिन गीता दीदी ऐसी हैं जो आप महिला होते भी अच्छी उम्मीदवार और वर्सोवा किसान गीता दीदी को आप जिताइए और आपके बीच में ये हमेशा खड़ी रहेंगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो, पानी से लेके लाइट बिल से लेके रोड से लेके कोई भी दिक्कत हो, आप वर्सोवा में गीता दीदी के महक दीदी के यहाँ पे जाके आप मिल सकते हो। आप लोग किसको जिताना चाहते हैं बताइए, आप लोग किसको जिताना चाहते हैं? और हमारे मंच पर उपस्थित सभी हमारे मान्यवर और हमारे प्रिय नेता महादेव जानकर साहब, उनका मैं आभार करती हूँ और स्वागत करती हूँ वर्सोवा में। और जितने भी नीचे बैठे हुए लोग हैं, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, पिता समान, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, सबका मैं तहे दिल से आभार करती हूँ। आप आए और मेरा मान सम्मान आपने रखा, अपनी बेटी का, अपनी बहन का मान सम्मान रखा आपने आकर। और इसी मान सम्मान की मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि 20 तारीख को इसी तरीके से आप अपनी बहन का, अपनी इस बेटी का मान सम्मान रखेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, पर मैं इतना कहूँगी कि आपके साथ में हमेशा आपके हर दुख सुख में खड़ी रहूँगी। जब भी आप जिस चीज़ में चाहोगे, जैसे चाहोगे, आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन आपके बीच में मिलेगी। मैं पिछले 10 दिन से घर घर में घूम रही हूँ। वर्सोवा की ऐसी कोई गली नहीं छूटी है, ऐसा कोई घर नहीं छूटा है जिस घर का दरवाज़ा मैंने नहीं खटखटाया है, और जिस घर में जाके अपनी माताओं से, अपनी बहनों से जाकर नहीं मिली हूँ। और हर माता बहन से मैंने एक ही चीज़ सुनी है कि जो पिछले 10 साल से यहाँ पे बैठी हुई MLA, उन्होंने फ़ायदा उठाया है लोगों का, उन्होंने रोज़गार से, उन्होंने जिस तरीके से घर तोड़वाए हैं, जिस तरीके से गलियों में, जिस तरीके से महिलाओं के लिए रोज़गार नहीं है, जिस तरीके से गलियों में पानी बह रहा है, कीचड़ बह रही है, कूड़ा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, हर महिला से, हर बहन से, हर अपने भाई से यही सुनने को मिला है। मैं चाहती हूँ जो आपके अंदर
जिस तरीके से जो मौजूदा एमएलए रही हैं 10 साल, उनके लिए जो गुस्सा आपका, जो नफरत आपकी बरी है, क्यों बरी है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने आपका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है। अभी भी आ रही हैं, रोज आपसे मिल रही हैं, आपको प्रलोभन दे रही हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का प्रलोभन क्यों ना हो। मैं विनती करना चाहूँगी हाथ जोड़कर कि आप किसी भी ऐसे प्रलोभन में ना आए, क्योंकि ये प्रलोभन थोड़े समय का रहेगा, 5 साल फिर से आपका इस्तेमाल किया जाएगा। जानकर सरांचं स्वागत। इथे आल्याबद्दल, आम्हाला प्रबोधन केल्याबद्दल, आणि आता आपल्या वर्सोवाची शान कोळी टोपी आणि गुस्ते साहेब त्यांचं आता अभिनंदन करत आहे, स्वागत करत आहे, फुलगुच्छ दिलाय, फुलगुच्छ देत आहे। आपके बीच में आपके गरीबों की आन बान शान वर्सोवा विधानसभा की तरफ से, यहाँ के स्थानीय नेता, इस गांव के लोग की जनता की तरफ से आपके नेता माननीय श्री महादेव जानकर का साहब का स्वागत हो रहा है। स्वागत किया जाए आपके लोकप्रिय नेता माननीय श्री महादेव जानकर साहब का। उसी कड़ी में आपकी लोकप्रिय उम्मीदवार गीता सिंह जी का स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। कृपया अपनी माताओं बहनों से आग्रह करूंगा, क्योंकि आप लोग तालियों में कंजूसी कर रहे हैं, जोरदार तालियों से गीता सिंह का सम्मान करें। महात्मा ज्योतिबा फुले, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, एकवीरा देवी, हिंगलजा देवी, वो यांना नमन करून आज मी गीता कुमारी यांच्या प्रचारासाठी आज वर्सोवामध्ये आलेलो आहे। या कोळी बांधवांना मी नवीन नाही, तुमच्या FSI चा प्रश्न असेल किंवा ट्रॉलरचा प्रश्न असेल किंवा मच्छीचा प्रश्न असेल, त्यावेळेस मी बरेच वेळा इथं येऊन वर्सोव्याला गेलेलो आहे। आणि तसं मी या 4 बंगल्याला 4 वर्ष मुक्काम केलेला आहे, राहिलेला आहे, म्हणजे मी स्थानिकचा माणूस आहे हे विसरता कामा नये। मी वर्सोव्यात राहायला होतो 4 बंगल्याला 4 वर्ष। माझी आपल्याला विनंती आहे की राष्ट्रीय समाज पक्षानं महाराष्ट्रात 117 उमेदवार उभा केलेले आहे। आपण काँग्रेस बरोबर नाही आणि BJP बरोबर नाही, स्वतंत्र ताकदीवर उभा केलेले आहे। म्हणून माझी तुम्हाला विनंती आहे की गीता सिंग, गीता कुमारीच्या NGO च्या माध्यमातून काम गीता कुमारीनं चांगलं केलेलं आहे। आमचं नशीब चांगलं म्हणून ते आम्हाला पक्षाला उमेदवार मिळाल्या, त्याबद्दल मी गीता सिंगचं अभिनंदन करतो आणि आभार मी मानतो। माझी तुम्हाला विनंती आहे, भाजप आपलं नाही, मी भारतीय जनता पार्टीवर युतीत होतो, ब्रीद साहेब हे भाजप काय करताय, शिवसेनेत 2 शकलं केली, राष्ट्रवादी 2 शकलं केली, दुसऱ्याच्या खांद्यावर बसतं आणि वर निघून जात खाली लाटा मारतं, त्याचं नाव भारतीय जनता पार्टी आहे। म्हणून भाजपपासून सावध राहा। कोळी समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही, मराठ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटला नाही, OBC च्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटला नाही, दिल्लीत भी सत्ता BJP ची आणि महाराष्ट्रात भी सत्ता BJP ची तरी प्रश्न सुटला। मंच पे विराजमान परम आदरणीय गरीबों, शोषितों, वंचितों के नेता, हम सब के चहेते विकास पुरुष महादेव जानकर सर, हमारी वर्सोवा विधानसभा की जुझारू, कर्मठ, शिक्षित, हर दिल अजीज, युवाओं की दिल की धड़कन, विकास पुत्री महक चौधरी जी एवं सम्माननीय सभी अतिथियों,
और बड़े को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथ ही मंच के नीचे विराजमान हमारी माताएं, यहां पे सुन रहे हमारी बहनें, भाइयों एवं युवा साथियों एवं मीडिया साथियों का भी सादर अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप लोगों से मैं कुछ बात पूछना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको विकास चाहिए चाहिए या नहीं चाहिए? आपको रोजगार चाहिए? आपको सुरक्षित वर्सोवा चाहिए? स्वच्छ वर्सोवा चाहिए? शिक्षित वर्सोवा चाहिए? अगर आपको सुरक्षित वर्सोवा चाहिए, अगर आपको शिक्षित वर्सोवा चाहिए, अगर आपको एक विकसित वर्सोवा चाहिए, तो आपको जो आपकी आवाज उठाने आए हैं, जो आपकी समस्याओं के बीच आपकी आवाज को बुलंद करने आए हैं, आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं, आपको उनको साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो साथ अगर देना चाहिए तो मैं अपनी माताओं से पूछना चाहता हूं, मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूं, मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं कि जब साथ देना चाहिए ऐसे लोगों को तो आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा? वोट कहां देना है? वोट कहां देना है? हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? कितना नंबर है? आपको इस वर्सोवा की धरती की सौगंध है। अगर विकास चाहते हैं, अगर अपने घर में रोजगार चाहते हैं, बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं, और वर्सोवा की जो बद से बदतर हालात हैं, अगर इसको सुधारना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसे नेता को चुनना होगा जो नेता आपके सुख में भी आपके साथ है, आपके दुख में भी आपके साथ है, जो आपकी आवाज बन सके, जो आपकी लड़ाई लड़ सके, जो आपके लिए अपने खून का एक एक कतरा बहाने के लिए आपके साथ आ सके। ऐसे लोगों को चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे? चुनेंगे। मार्गदर्शन पड़ते थोड़ा सा बोलना रहे अपना गिरजा मैडम ला तुम्हें ओळखता था सर। आज गेले कित्येक दिवस ते आपल्या वर्सोवा गावामध्ये खूप फिरतात आहेत आणि सगळ्यांच्या समस्या जाणून घेण्याचा त्यांनी भरपूर प्रयत्न केलाय। आपल्याला आता ज्याची गरज आहे, ज्या व्यक्तीची आपल्याला इथे ज्या सोयी सुविधा पाहिजेत किंवा आता पुढे जाऊन भविष्यामध्ये ज्या गोष्टीसाठी आपल्याला आवश्यक आहेत, त्या गोष्टींसाठी आपल्याला यंग मुंबई का मालिक कोहली है, आदमी है, वो भूमि पुत्र है, लेकिन उसको हाथ पार कर रहे हैं, उसको एक पैसा नहीं दे रहे, बिल्डिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे, पीएमसी नहीं दे रही, किसका भी राजा नहीं, उसके हमें बहुत खराब है, उसका ही मुद्दा हमने उठाया था जिस साल कर मैं यहाँ के पूरी समाज के लिए बताना चाहता हूँ। आपके आंदोलन में मैं नहीं है, 20 साल से आपके आंदोलन चल रहा है और आज 20 साल में एक ही बार आपको वोट मांगने के पास मुझे आशा है। मेरी पार्टी का कैंडिडेट, मेरे पार्टी मुंबई के अध्यक्ष है, वो गीता कुमारी, ये है उसका सिंबल है, शिवी मशीन, शिवाई का मशीन है, उसके वोट डालने के लिए वो सब समाज को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्या कहना चाहेंगे? और जो वर्सोवा के सवाल है, जैसे आरक्षण की बात है, एजुकेशन की बात है, उस पर किस तरह से काम करने वाले आने वाले सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे सर का, महादेव जानकर जी आए और उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई यहाँ पर जनता में, हमारी माताओं बहनों ने सबको बताया कि हमारी हमको जिताएँ, साथ दें।
देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं जो कि मैं पिछले 10 दिन से देख रही हूँ। मुद्दे और 3 साल से एनजीओ के द्वारा देख रही हूँ और 10 दिन से मैं यहाँ की कैंडिडेट के द्वारा देख रही हूँ। मुद्दे बहुत सारे हैं, बच्चों का एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तरीके से घर छोड़े गए हैं, फिस को सब्सिडी नहीं मिल पा रही है, उनको रोज़गार उनको सही नहीं चल रहा है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। फिलहाल मैं यही विनती करना चाहूँगी बसोवा की जनता से कि आप साथ दें, आपकी ये बेटी आपकी ये बहन कभी भी पीछे नहीं हटेगी, आपके हर दुख सुख में खड़ी रहेगी। और मेरा सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह है 8 नंबर को आए 20 तारीख को और वोट करें। बिल्कुल मिलेगा, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं आऊँगी और लोगों की मदद करूँगी तो और ज़्यादा पावर में। देखिए एक कहावत है, आप इतनी भी सेवा कर लीजिए बिगर पावर के आप उतनी सेवा लोगों की नहीं कर पाएंगे जितनी करना चाहते। मैं एनजीओ के द्वारा काम कर रही हूँ, बच्चों को एजुकेशन देना, बेरोज़गार महिलाओं को रोज़गार देना, लेकिन अभी उससे भी और बड़े काम करने हैं तो वो मैं पावर में आगे ही बाजिए। पिछले जो एमएलए थे उनके साथ भी आप आए थे, अभी जो है आप पिताजी के साथ में आए, सर क्या कहना चाहेंगे जो वर्सोवा की जनता आपको देख रही है उनके लिए? साथ आता हूँ जिसके साथ वो होते होता है, मेरी खुद की पार्टी मेरे घर की उम्मीदवार के लिए तो कौन जीतेगा इसके लिए। पिछली बार भी आया था उसके जो एमएलए है, दो बार उसके पास आया था, अभी मेरे पार्टी की कैंडिडेट है, मैं जी जान से लगा के जीता कुमार को मुझे करने की कामयाबी। वर्सोवा की जनता को कुछ कहना चाहिए? आपको मेरी रिक्वेस्ट है, मैं 20 साल में पहली बार आपके पास वोट मांगने के लिए मेरे पार्टी के लिए आया था, अलायंस पार्टी के लिए आया था, लेकिन मेरी खुद की पार्टी है, घर की पार्टी है, मेरे हाथ जोड़ के विनती है मेरे पिता कुमारी को सिलाई मशीन के ऊपर वोट दे के कामयाब बनाओ, वही मेरी वर्षाओं की जनता को। थैंक यू।